या देशाच्या लोकशाहीच्या रक्षणासाठी, संविधानाच्या रक्षणासाठी 2024 साली काय करता येईल? कारण 2024ची निवडणूक ही बहुधा शेवटची निवडणूक असेल हे संपूर्ण देशाचं मत आहे. त्याच्यामुळे सगळे प्रमुख पक्ष आहेत देशाचे, भाजपा वगळता, ते पाटण्याला जमत आहेत. नितीश कुमारजी निमंत्रक आहेत. महाराष्ट्रातून उद्धव साहेब चालले आहेत, शरद पवारजी चाललेले आहेत, राहुल गांधीजी येत आहेत, केजरीवाल पोचले आहेत, ममता बॅनर्जी पोचलेल्या आहेत, अनेक नेते पोचले आहेत पाटण्यामध्ये. आम्ही आता निघू, दुपारी 11 वाजता बैठक सुरू होईल, ती साधारण संध्याकाळपर्यंत चालेल. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की एकत्र जमणं ह्यालाच महत्त्व आहे. त्यातून आदर चमत्कार होईल असं नाही, पण एकत्र जमून चर्चा करून काही पावलं कशी टाकता येतील, काय करता येईल, खास करून एकास एक उमेदवार कशा प्रकारे देता येईल याच्यावर नक्की चर्चा होईल. आज पटना में हम सब जा रहे हैं. उद्धव ठाकरे जी निकलेंगे, उनके साथ आदित्य जी भी है. शरद पवार साहब पुणे से निकल रहे हैं. ममता दीदी कल रात को ही पटना पहुंच गई. अरविंद केजरीवाल जी पहुंच गए हैं. बहुत से नेता वहां कल रात को ही पहुंच गए हैं. सभी जो प्रमुख दल है, मैं विपक्षी दल नहीं कहूंगा, जो इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि लोकतंत्र यह इस देश में रहे. एक डर है कि 2024 के आखिरी चुनाव होगी, उसके बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा. उसके ऊपर ज़रूर हम बात करेंगे. और 1-to-1 कैंडिडेट कैसे हम दे सकते हैं, हमारे मतभेद रिलेशनशिप को भुलाकर राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है. तो चर्चा होगी और मंथन होगा, चिंतन होगा, सब कुछ होगा. चमत्कार की अपेक्षा आज मत करिए, लेकिन जरूर आज एक अच्छी शुरुआत हो रही है. सर, वहाँ पर अलग अलग पोस्टर लग रहे हैं, अलग अलग दल के नेता खुद को प्रधानमंत्री, क्योंकि कल देखिए केजरीवाल को भी लेकर पोस्टर. बात ऐसी है कि खुद केजरीवाल जी या और कोई नेता नहीं लगाते, उनके बहुत ही उत्साही समर्थक होते हैं वो ये लगाते हैं.